तो दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वेरिएशन, लैंग्वेज में जो वेरिएशन आती है, लैंग्वेज में जो चेंजिंग आती है, जो तब्दीलियां आती हैं, उनके पीछे कौन सी वजूहात होती हैं, कौन सी रीजंस होती हैं, जिनको कहा जाता है रीजंस ऑफ वेरिएशन इन आ लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज में जो वेराइटी आ जाती है, यानी वेराइटी ऑफ लैंग्वेज कैसे आती है, उसके पीछे क्या वजूहात होती हैं, उसमें सबसे पहले हमारे पास डायलेक्ट आता है, फिर एक्सेंट आता है, फिर पिजिन, ये डी साइलेंट है, पिजिन इसको कहा जाता है, फिर क्रियोल, और लास्ट पे रजिस्टर। ये क्या होते हैं, वन बाय वन इनको स्टडी करते हैं। ये पांच बेसिक रीजंस होती हैं वेरिएशन इन लैंग्वेज में। वेराइटीज़ ऑफ लैंग्वेज या वेराइटीज़ ऑफ अ लैंग्वेज, एक लैंग्वेज की, यहाँ पे हम सिंगल लैंग्वेज की बात करेंगे। फ़र्ज़ करें हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, उस एक इंग्लिश लैंग्वेज में वेराइटी आ जाती है। कुछ एरिया में वो लैंग्वेज, वो इंग्लिश किसी और तरह बोली जाती है, कुछ एरियाज़ में किसी और तरह, कुछ जियोग्राफिकल रीजन्स में उसकी वोकेबुलरी प्रोनंसिएशन कुछ और तरह होती है, कुछ एरियाज़ में, कुछ जियोग्राफिकल रीजन्स में उसकी वोकेबुलरी उसी वर्ड की प्रोनंसिएशन चेंज हो जाती है, कुछ और तरह से बोली जाती है। उसके पीछे, उस एक सिंगल लैंग्वेज की वैरायटी के पीछे कौन सी रीजन्स होती हैं, वो फॉलोइंग रीजन्स हैं: डायलेक्ट, एक्सेंट, पिजिन, क्रियोल और रजिस्टर। ये पांच इम्पॉर्टेंट वेराइटीज़ आ जाती हैं, वेराइटीज़ ऑफ चेंज ऑफ अ लैंग्वेज। डायलेक्ट क्या होता है? डायलेक्ट रेफर करता है टू वेराइटीज़ डिफ्रेंशिएटेड बाय ग्रामर एंड वोकेबलरी। डायलेक्ट जियोग्राफिकल बेस्ड लैंग्वेज वेराइटी आ जाती है, यानी कि जियोग्राफिया के हिसाब से, रीजन के हिसाब से जब ग्रामर और वोकेबलरी चेंज हो जाती है, यानी कि डायलेक्ट। डायलेक्ट का मतलब होता है, लेक्ट हमेशा लैंग्वेज के लिए यूज़ होता है, डायलेक्ट मतलब जब जियोग्राफिकल रीजन के हिसाब से वोकेबलरी और ग्रामर चेंज, उसमें चेंज आने लग जाता है, सिंटैक्टिक यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, वोकेबलरी आइटम्स चेंज हो जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल रीजन्स, यानी कि जियोग्राफी के लिहाज से जब वोकेबलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर, ग्रामर चेंज हो जाता है एक ही लैंग्वेज का, तो उस लैंग्वेज में वैरायटी आ जाती है, उसको कहते हैं डायलेक्ट। जैसे कि इंग्लिश के दो डायलेक्ट होते हैं, एक अमेरिकन और एक ब्रिटिश, ब्रिटिश डायलेक्ट, अमेरिकन डायलेक्ट। आप कहते हो ना कौन सी प्रोनंसिएशन है, ब्रिटिश प्रोनंसिएशन में बोलना है या अमेरिकन में, तो वो बेसिकली ब्रिटिश प्रोनंसिएशन नहीं होती, अमेरिकन प्रोनंसिएशन नहीं होती, वो डायलेक्ट होते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी के लिहाज से वो एक ही लैंग्वेज इंग्लिश चेंज हो जाती है दो अलग अलग वेराइटीज़ में। फिर आ जाता है एक्सेंट। एक्सेंट मतलब किसी चीज़ को प्रोनाउंस करने का अंदाज, हम कहते हैं ना उसका एक्सेंट कितना अच्छा है, लाइक हिज वे ऑफ टॉकिंग, हिज वे ऑफ प्रोनाउंसिंग समथिंग, वो बहुत अच्छा है, उसका स्ट्रेस देना किसी वर्ड पे, उसका किसी वर्ड को बोलने का अंदाज, किसी वर्ड को प्रोनाउंस करने का अंदाज, स्पेशल वो पिच यूज़ करे या क्वालिटी ऑफ साउंड यूज़ करे या स्ट्रेस दे किसी वर्ड पे, तो वो आ जाते हैं एक्सेंट में। एक्सेंट मीन्स अ पर्टिकुलर वे ऑफ प्रोनाउंसिंग अ लैंग्वेज, एक खास वे किसी लैंग्वेज को प्रोनाउंस करने का, जो कि एक कंट्री से, एक एरिया से, एक सोशल क्लास से एसोसिएट होता है, जुड़ा होता है। या आप एक्सेंट को कह सकते हो कि एन एम्फेसिस गिवन टू अ सिलेबल। एक्सेंट, एक ये सिलेबल है एक, और एक ये सिलेबल है, ये सिलेबल होते हैं पार्ट ऑफ अ वर्ड जिस पे स्ट्रेस दिया जाता है या जिसको अनस्ट्रेस रखा जाता है। तो एम्फेसिस मतलब जोर दिया जाए टू अ गिवन सिलेबल, टू अ गिवन वर्ड, या फिर नोट इन स्पीच और म्यूजिक, या फिर स्पीच और म्यूजिक में जो नोट यूज़ किया जाता है उसको एक्सेंट कहा जाता है, बोलने का, प्रोनाउंस करने का अंदाज। या फिर एक्सेंट कहा जाता है अ मार्क ऑन अ लेटर और वर्ड इंडिकेटिंग पिच, कि किसी भी लेटर या वर्ड पे मार्क जो उसकी पिच को इंडिकेट कर रहा हो कि पिच हाई रखनी है,
पिच लो रखनी है, स्ट्रेस ज़्यादा देना है स्ट्रेस, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कहूँ एम्बेड, और यहाँ पे मैं हल्का सा एक निशान ऐसे मार्क कर दूँ, तो ये जो मार्क है ये किस चीज़ को इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे स्ट्रेस देना है, एम्बेड। तो मेरा एक्सेंट किसी दूसरे इंसान के एम्बेड से चेंज हो जाएगा। मोस्ट एक्सेंट्स आर रीजनल एंड और नेशनल, ज़्यादातर जो एक्सेंट्स होते हैं वो रीजनल या नेशनल होते हैं, रीजन के हिसाब से होते हैं या फिर नेशन के हिसाब से होते हैं। कुछ एक्सेंट्स जो हैं वो सोशल होते हैं और कल्चरल और एजुकेशनल बैकग्राउंड से रिलेटेड होते हैं, लाइक ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट अलग होता है, ऑस्ट्रेलिया में जो इंग्लिश बोली जाती है वो अलग तरह की होती है, उनका एक्सेंट अलग होता है, स्कॉटिश जो है उसका एक्सेंट अलग होता है और अमेरिकन एक्सेंट अलग होता है, ऑस्ट्रेलियन, स्कॉटिश और अमेरिकन एक्सेंट। हम कहते हैं ये ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट है, ये स्कॉटिश एक्सेंट है, ये अमेरिकन एक्सेंट है, क्यों? क्योंकि उनकी मे बी पिच डिफरेंट हो, उनका स्ट्रेस देने का अंदाज़ अलग हो, उनका सिलेबल यूज़ करने का अंदाज़ अलग हो, उनकी प्रोनाउंस करने का अंदाज़ अलग हो, ठीक है, उनका वोवल को प्रोनाउंस करने का, उनका पिच इंडिकेट करने का अंदाज़ अलग हो, तो ये हो जाता है एक्सेंट, जो कि सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड की बेस पे होते हैं। फिर आ जाता है पिजन। पिजन जो है वो वैरायटी ऑफ लैंग्वेज होती है जो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज़ की जाती है ड्यूरिंग ट्रेडिंग कुछ खास लोगों के बीच में। जैसे कि एक एरिया है, यहाँ के लोगों ने ट्रेड करना है इस एरिया के लोगों के साथ, यहाँ के लोग इंग्लिश बोलते हैं और यहाँ के लोग चाइनीज़ बोलते हैं, अब इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का तो कोई ज़रिया बनना चाहिए, तो चाइनीज़ थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलेंगे, इंग्लिश थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलेंगे, तो आपस में कम्युनिकेट करेंगे। तो यहाँ का जो एरिया है, यहाँ पर वो लोग पाए जाएंगे जो ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं जो ट्रेडिंग के लिए यूज़ हो रही है, जो बात करने के लिए, जो आपस में कम्युनिकेट करने के लिए एक ज़रिया बन रही है, एक सोर्स बन रही है, उसको ट्रेडिंग लैंग्वेज कहते हैं। पिजिन को ट्रेडिंग लैंग्वेज भी कहते हैं क्योंकि ये ट्रेड के लिए यूज़ की जाती है दो कम्युनिटीज़ के बीच में। इट इज़ यूज बिटवीन टू स्पीच कम्युनिटीज़ टू कम्युनिकेट, ठीक है। तो पिजिन ऐसी लैंग्वेज, ऐसी वैरायटी ऑफ लैंग्वेज होती है जो ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए दो ग्रुप ऑफ पीपल के दरमियान यूज़ की जाती है, दो डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के दरमियान। क्रियोल, वही पिजिन अगर एक बड़ी सतह पर, एक बड़े लेवल पे आ जाए, एक बड़े लेवल पे एक बड़ी कम्युनिटी में बोलना शुरू हो जाए, और उसको वो पिजिन एक मदर लैंग्वेज बन जाए उस स्पीच कम्युनिटी की, तो वो फिर पिजिन नहीं रहती, वो क्रियोल बन जाती है। पहले वो यहाँ बोली जा रही थी, अब वो इतने एरिया में बोली जा रही है और उस एरिया की वो मदर लैंग्वेज बन गई है, तो वो पिजिन अब पिजिन नहीं रहेगा, वो क्रियोल बन जाएगा। फिर आ जाता है रजिस्टर। रजिस्टर जो है वो ऐसी वैरायटी होती है जो स्पेसिफिक होती है, जैसे कि लॉ के लोग अलग वोकैबलरी, लॉ वोकैबलरी यूज़ करेंगे, ये स्पेसिफिक वोकैबलरी होती है रजिस्टर, इसमें स्पेसिफिक यूज़ ऑफ इंग्लिश वर्ड्स आते हैं, ठीक है। जैसे रिलीजन से रिलेटेड लोग अलग तरह का रजिस्टर यूज़ करेंगे, साइंस या मेडिकल के स्टूडेंट अलग तरह के रजिस्टर्स यूज़ करेंगे, तो रजिस्टर जो है वो स्पेसिफिक वोकैबलरी, स्पेसिफिक वोकैब होती है और स्पेसिफिक यूज़ ऑफ लैंग्वेज होता है, एक डिफाइन किया जाता है जिससे लीगल लैंग्वेज को, तो वो आ जाता है हमारे पास रजिस्टर। रजिस्टर जो है वो सोशो लिंग्विस्टिक में दो तरह के होते हैं, लीगल रजिस्टर, साइंटिफिक रजिस्टर। लास्ट पे हम यही कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा चेंजिंग सोशल स्ट्रक्चर में चेंज आने की वजह से, सोसाइटी में चेंज आने की वजह से लैंग्वेज जो है वो चेंज होती है। जहाँ जहाँ रजिस्टर चेंज होगा वहाँ वहाँ लैंग्वेज चेंज होगी, वहाँ वहाँ लैंग्वेज में वैरायटी आएगी। और अब तो इंसान अपनी कम्युनिकेशन के ईज़ के लिए, अपनी ईजीनेस के लिए
लैंग्वेज को मोल्ड करता जाता है, लैंग्वेज को चेंज करता जाता है, उसमें वैरायटी, न्यू वोकैबुलरी को इंट्रोड्यूस करवा रहा है। सोशली जो सोशल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा है, उस वजह से सोसाइटी के चेंज होने की वजह से लैंग्वेज जो है वो चेंज होती जा रही है। लैंग्वेज चूँकि बहुत ज़्यादा सोशलाइज हो गई है, लैंग्वेज को एक सोशलिज्म का प्रोसेस कंसिडर किया जाता है। अब लैंग्वेज का चेंज जो है वो सोसाइटी के चेंज की वजह से लैंग्वेज में वैरायटी आती जा रही है, और ये थ्रू आउट आती ही रहेगी।